नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश गौड़ और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस हिंदी टैरो। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली लव रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे और स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वही गूगल पे नंबर है, उस पर आप पैसे भेजकर अपने क्वेश्चन छोड़कर अपने रीडिंग पा सकते हैं। और प्लीज़ बिना मतलब के आप मैसेज करके मुझे परेशान ना करें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, उनको लग वो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आपको आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। जो जो चीज़ें चली गई हैं वो आप उनके लिए अपने आप को रिग्रेट ना करें, दुखी ना हो, परेशान ना हो, आप अपने आप को डिप्रेशन में ना डालें, एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन है, और भी लाइफ में आपके प्यार है, मोहब्बत है, खुशियां हैं। अगर आप मदद चाहेंगे तो आपको मदद मिल सकती है, और अगर आप प्यार चाहेंगे तो आपको प्यार मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको नज़रें घुमाने की ज़रूरत है। और अगर आप एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो आपको ऐसे ऑप्शन देखने ढूंढने की ज़रूरत है जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी दे सके, जैसे जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे के, खास तौर पर पैसे के प्रति आपको अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है। लाइफ में वो ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे जो आपको लाइफ में पैसा, करियर, बिजनेस दे सके, स्टेबिलिटी दे सके, एक ठहराव दे सके, और आपको काफ़ी लग्जरी लाइफ आप जीने वाले हैं, काफ़ी आप हैप्पी रहने वाले हैं, काफ़ी खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मग्न रहेंगे, मस्त रहेंगे। आपको सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपनी दुनिया, अपने लोग, अपने में मग्न रहिए, अपने में खुश रहिए, दूसरों के पचड़ों में मत पड़िए। जब आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो लोग आपको फॉलो करेंगे और वो खुद ही इस रिश्ते को कामयाब बना सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर सोचने की ज़रूरत है, मग्न रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है। आप अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, और जो चीज़ें चली गई हैं उसके लिए दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि और भी आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, प्यार है, मोहब्बत है, और अगर आप किसी से मदद मांगेंगे तो आपको मदद मिल सकती है। तो देखते हैं कि स्कॉर्पियो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन एंड द फूल। तो स्कॉर्पियो आपके स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर देनी चाहिए। वो इसमें बिना नादानी ना करें, बचपना ना करें, मूर्खता ना करें, वो खुली आंखों से एक अपने आप को यूनिवर्स के हवाले करें, या यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर सूरज की तरह चमक सके, नेम और फेम वाला हो। और आप कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो स्टक एनर्जी में ना रहें, जो वो रुक से गए हैं, थम से गए हैं, उनको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अगर वो अपना नज़रिया बदल लेते हैं या दूसरे के नज़रिए से दुनिया को देखते हैं तो उन्हें सब कुछ बदला सा नज़र आएगा, वो हैप्पी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। जब तक वो स्टक एनर्जी में रहेंगे, मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तब तक वो परेशानी में होते रहेंगे, और उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आप
अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि या तो आप अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जा सकते हैं या उनका आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए। तो आप इस रिश्ते में लव ऑफर चाहते हैं, वही खुशियां वही प्यार जो पहले हुआ करता था। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को में दोबारा से एक नई बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो और स्टक एनर्जी में ना रहें। आप अपने आप को मेडिटेट करें, प्रेयर करें, हीलिंग करें और अपना नज़रिया चेंज करें। और या तो आप फील कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, या फिर हो सकता है कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन या स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो फिलहाल के लिए मुझे वो जगलिंग करते नजर आ रहे हैं, जिगजैग करते नजर आ रहे हैं। कोई उनके पास ऑप्शन होते हुए भी वो कोई ऑप्शन समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी ये जब से ये रिश्ता बना है वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो उनको डर लगता है, उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है इसमें पनौती आ रही है। जितना इस रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही ये रिश्ता बिगड़ता जा रहा है। तो ये उनका खुद का बनाया हुआ है, ये उनकी खुद की सोच है। अगर आप इसमें मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग प्रेयर करते हैं या सत्संग कीर्तन में जाते हैं तो आप इस चीज़ से निजात पा सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। आप अभी मुझे नहीं लग रहा कि आप कोई ऑप्शन लेने इसमें कोई एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि अभी आप जगलिंग के फेस में चल रहे हैं और ये जो रिश्ता है इसमें काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी एक इसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है। या तो आप अपने पर्सन से बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, और ये अगर बातें हो भी रही है तो इतने इमोशनल लेवल पर नहीं हो रही है। तो आपको चाहिए, वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये जो बंधन है आँखों से पट्टियाँ खोलने की ज़रूरत है, ये जो बंधन है वो खुद के बांधे हुए हैं। तो उनसे इस बंधन को खोलें और इन आँखों से पट्टियाँ खोलें और आपस में इस मनमुटाव को ख़त्म करें, एक दूसरे को समझें। अगर आप आमने सामने बैठकर बातें करते हैं तो काफ़ी हद तक इन बातों को सुलझाया जा सकता है, लेकिन अभी मुझे कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इसमें अभी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी वो डिस्टर्ब हैं, काफ़ी मनमुटाव चल रहा है दोनों तरफ से ही, और इस रिश्ते को लेकर काफ़ी जो आपके पर्सन हैं वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो यही एक्शन चाहते हैं कि सबसे पहले इस जो कंफ्यूजन, जो मनमुटाव है इस रिश्ते में उससे बाहर निकला जाए और इस डर से, इस भय से जो इस रिश्ते को नेगेटिव बना रहा है उसे पॉजिटिव बनाया जाए। तो वो यही फील कर रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि एक मन एक विचार बनाए, वो जगलिंग के फेस में ना रहे और इस रिश्ते में आगे बढ़े। देखते हैं कि सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी या स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है, स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द हर्मिट, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो आपके यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको अपने पैरों पर, अपनी जिम्मेदारियों को
लेने की जरूरत है। अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, दूसरे के भरोसे ना रहिए। जो रास्ता आप दूसरों को दिखाते हैं उसे खुद फॉलो कीजिए। अगर आप सचमुच प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस रिलेशन में वापस आना चाहते हैं, इसको हैप्पी बनाना चाहते हैं, खुश बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्पेस लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो इस रिश्ते को प्यार दे सकेगी, खुशियां दे सकेगी, आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को हैप्पी कीजिए, खुश कीजिए, एक परिवार बनाइए, एक फैमिली बनाइए, मौज मस्ती कीजिए, डेट पर जाइए। और अगर आप बहुत दिनों से वेकेशन नहीं लिए हैं तो वेकेशन लेकर छुट्टियाँ स्पेंड कीजिए परिवार फैमिली के साथ। और इसमें आप फैमिली को साथ ले सकते हैं। एक इसमें इस रिश्ते को खुश बनाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको परिवार की, फैमिली की मदद लेने की ज़रूरत है। उनकी मदद लेकर आप इस रिश्ते को स्टेबल कर सकते हैं। एक परिवार एक फैमिली ये रिश्ता बन सकता है। इस रिश्ते में वो सभी खुशियाँ आएंगी जो आप चाहते हैं। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है और लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और परिवार और फैमिली के साथ हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मग्न रहिए, मौज मस्ती में रहिए और एक परिवार एक फैमिली बनाइए। ये परिवार आपका खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। एक परिवार एक फैमिली बनाया जा सकता है। इसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए या जो आपके नॉन पर्सन हैं उनकी भी सलाह मशवरा करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में खुशी होती है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।